सहारा इंडिया में जिन निवेशकों के पैसे फंसे हुए थे उनके अब अच्छे दिन आने वाले हैं। जी हां, इसी से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण खबर अब हम आपको बताने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत आज से होगी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज सहारा रिफंड पोर्टल को लॉन्च करने वाले हैं। इसकी जानकारी खुद अमित शाह ने ट्वीट कर दी है। अमित शाह ने ट्वीट कर कहा है कि सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जिन लोगों के कई सालों से रुपए फंसे हुए थे उनके लिए आज विशेष दिन है। मोदी सरकार उन निवेशकों की जमा राशि को लौटाने के संकल्प को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिसके अंतर्गत आज सहारा रिफंड पोर्टल का शुभारंभ होगा। अमित शाह ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय की कटिबद्धता से उन सभी लोगों को राहत मिलेगी जिन्हें अपनी मेहनत की कमाई वापस आने का इंतजार है। आज सुबह 11 बजे दिल्ली में अमित शाह केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल का भी शुभारंभ किया जाएगा। अनूप गुप्ता फोनलाइन पर जुड़ गए हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। अनूप, क्या जानकारी इस रिफंड पोर्टल को जो आज लॉन्च किया जाना है, कितने बजे कार्यक्रम होगा, विस्तार से बताइए। देखिए, आपको बता दूं कि सहारा इंडिया में जिस तरीके से लाखों लोगों के करोड़ों की कमाई जो है फंस गई है और लोगों को लग रहा था कि किस तरीके से इस पैसे को वापस लिया जाएगा। हालांकि आपको बता दूं कि सेवी ने पहले से ही इसकी व्यवस्था कर रखी है, समय समय पर लोगों के पैसे वापस हो रहे हैं सेवी के जरिए। लेकिन जब से अमित शाह कोऑपरेटिव मिनिस्टर बने हैं, कैबिनेट में हैं, वो लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की जल्द से जल्द पैसे वापस किए जाए को लेकर आज एक बड़ा इनिशिएटिव कह सकते हैं अमित शाह की तरफ से ली गई है, जिसमें सहारा इंडिया में जो पैसे फंसे हुए हैं उसको वापस करने के लिए एक रिफंड पोर्टल का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह करने वाले 11 बजे दिल्ली में होने वाला है। इस पोर्टल की विशेषता है, जिन लोगों के पैसे फंसे हुए हैं वो इस पोर्टल में जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इससे तत्काल प्रभाव में जो है उनके पैसे जो है वापस हो सकेंगे। लोग वहां पर उस पोर्टल के जरिए देख सकते हैं कि जो उन्होंने अप्लाई किया है उसकी कंडीशन क्या है, उस पर अभी तक क्या प्रोग्रेस हुआ है, क्योंकि अब तक जो है वो ऑनलाइन इसकी सुविधा नहीं थी, अब ऑनलाइन सुविधा कर दी गई है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था सहारा इंडिया में कोऑपरेटिव फंड में और लोगों के पैसे फंस गए थे, उनके लिए एक बड़ा वरदान जो है आज का पोर्टल होने वाला है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनूप गुप्ता तमाम जानकारी के लिए आपका। और न्यूज 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ये है न्यूज 18 नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।